का के ब्लू मार्कर है जो वो आ चुका है, फियर्स के ऊपर हल्के फुल्के शॉट्स लिए जा रहे हैं, बट अभी के लिए तो वो जीवित हैं। अब केमिन का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि केमिन को क्वालिफिकेशन का डर नहीं है, बट केमिन यहाँ पर अभी के लिए नंबर वन प्राइस पूल के ऊपर ना नजर लगाए बैठी है। उनको पता है कि कुछ भी कर हमारा जो गेम वन था वॉज नॉट सो हैपनिंग, गेम टू तो हैपनिंग उनको करना ही पड़ेगा। फॉर दैट दे हैव टू प्ले स्लो, बिकॉज सर्कल जितना भी कटा है अभी तक उनके फेवर में नहीं है। दे हैव टू मेक हार्ड रोटेशन, उसके लिए वो थोड़ा एजेस पे खेलना प्रेफर करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा नॉक निकालने की कोशिश काफी लाजवाब तरीके से, बट 15 टीमें 50 प्लेयर, ओ जी बिलीव विल बी गोइंग थोड़ी देर बचा लेंगे, ये जान कब तक बचेगी ये इसका जवाब मेरे ख्याल से बिलीव बता पाएंगे। इनफैक्ट ओजी के खिलाड़ी के पास देखिए अपर एडवांटेज आ चुका है ऑलरेडी। हाँ एक खिलाड़ी लेट करके अपने लिए थोड़ा बहुत हीलिंग्स कर रहे हैं, बट बाकी खिलाड़ी भी आप देखिए किस तरीके से पीछे, काफी ज्यादा पीछे हैं खिलाड़ी और उनको भी स्पॉट किया जा चुका है। मतलब 7C के लिए बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है और ये गेम तो 7C के लिए भी जरूरी है। सारंग के पास एक थ्रोएबल है, बिलीव के पास एक थ्रोएबल है, इस बार सारंग जवाब देते नजर आएंगे और सीधा वो फिनिश जो है वो उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उससे पहले उनको एक रिवाइवल देना पड़ेगा जो कि अलादीन के नाम का रहेगा, बट ओजी आगे आ चुके हैं। ओजी को पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए भी ऐसा गेम रह सकता है और अभी धीरे धीरे ऐश आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं, बट सारंग विद दैट ग्रेनेड क्या एक और कमाल ये निकाल सकते हैं। सही कुक हो चुका है, सही थ्रो किया गया है दूसरी साइड से मोलोटोव आया था। सारंग की एचपी देखिए कितनी कम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शोल्डर पुश के अंदर भी यहाँ पे यहाँ नॉक हो सकते थे। सारंग इंस्टेंटली फर्स्ट एड पॉप करेंगे, उनके पास एक लास्ट फर्स्ट एड थी उन्होंने यूज कर लिया, बट उनके पास बैंडेजेस हैं। आरू ब्लू जोन के अंदर है, यहाँ पे ब्लू जोन से उनपे शॉट्स लिए, आरू को कर दिया नॉक, जेली उनकी तरफ है बट उनको रिवाइव देना आसान नहीं होगा। बिलीफ काफी कम एचपी के अंदर, थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए फर्स्ट एड लगाएंगे, वो भी आप हील अप करके गेम के अंदर बरकरार अपना इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी वहीं पर आरू को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। आज ओशन हम दोनों ने एक चीज बोली थी कि भाई ओजी और ओआर दोनों अपने परम चरम पे नहीं दिख रही है, थोड़ा तो कुछ मिसिंग लग रहा है यहाँ पर। ऐश कंप्लीट करेंगे सारंग को, थोड़ा तो फिनिशेस का गेम स्ट्रॉन्ग कर रही है यहाँ पर धीरे धीरे करके ओजी। लेट्स सी क्या यहाँ पर 7C को स्वाइप करेंगे, क्या 7C रिटेलिएट कर ओजी को सर्वर से गायब कर देगी, बट उससे पहले कुछ और होता। #15 पर एलिमिनेट हो चुकी है आर ईस्पोर्ट्स, देखते हैं कि किस तरीके से ये खिलाड़ी और आगे की तरफ को खेल सकते हैं। आर ईस्पोर्ट्स अगेन नॉट अ गुड गेम फॉर देम। 7C के प्रिंस एक ग्रेनेड हालांकि इस समय डालना जरूर चाहते हैं उस घर के अंदर, कोई डैमेज आज सच पड़ा नहीं है, बट अभी भी मैं बोलूंगा मुझे लगता है ये फाइट ओजी अच्छे से निकाल सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि 7C किस तरीके से खेल पाएगी। स्प्रे गॉड थोड़ा सा पीछे की तरफ को आकर के बैठे हैं, हालांकि ओजी के खिलाड़ी ना वो भी अभी वेट कर रहे हैं। बिलीव के पास एक थ्रोएबल है, वो आगे वाले घर में डालना जरूर चाहेंगे थोड़ा सा कुक करके, बट बस बात इसी चीज़ की है कि सर्कल उनको धकेलेगा पीछे की तरफ, और क्योंकि सर्कल उनको धकेलेगा उसके अराउंड एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन रह सकता है कि जब 7C मूव करेगी तो वो किस तरीके से करेगी। प्रिंस एक एंगल TPP के अंदर लेकर के बैठे हुए, स्प्रे गॉड अभी भी वो भी आगे की तरफ को मूव करना चाहिए, बट बिलीव का एक ग्रेनेड उनका हाथ दिख चुका है, उनका ग्रेनेड आगे की तरफ को गया, स्प्रे गॉड को थोड़ा सा धकेलेगा आगे की तरफ को और अब ये फाइट होने वाली है शुरू। अब यहाँ पे सामने जब वहीं पर को कर दिया नॉक, बट अलादीन ने थोड़ा मौके का फायदा उठाया, प्रिंस वहीं पे आज नॉक कर अब ही वो ना रश, बट स्प्रे गॉड को ध्यान देना पड़ेगा कि किसी तरफ से देख रहे वहां पे फायदा नहीं होने वाला। एक ओपी ने अभी तक एक भी गोली दिखाई है, यहां पे जवाब वो बढ़िया दे सकते हैं, बट वो रिलोड पे जाने वाले थे, उन्होंने गन स्विच करी, ही गॉट अनदर नॉक। बिलीव एचपी कम है, एक ओपी ने अपने आप को हील अप कर रहे हैं और वहां पर बाकी 7C की कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं अपनी नॉक्स को। दे वांट दोस फिनिशेस, बट यहां पर कोई अलग ही रस्ते की तरफ आते देख रहे हैं प्रिंस, और वो बिल्कुल बेजान होकर खेल रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। बोला था कि ओजी के पास बहुत बढ़िया एक फायदा मिलेगा और क्योंकि वो एरिया ऐसा था, प्लस सर्कल आपको धकेल रहा है उस डायरेक्शन में, राइट, बिकॉज सर्कल आपको धकेल रहा है, यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग इन दैट सिचुएशन और दिक्कतें बन जाती हैं। एक्सो के पंक एक स्मोक किया है और राइट साइडलाइन से विजन ब्लॉक करने के लिए, और उसके साथ साथ अब अपने टीममेट को रिवाइव देते नजर आएंगे, लेकिन ये सर्कल एनिग्मा को भी आगे धकेलेगा। सेंसे वो बच जरूर जाएंगे, बट एनिग्मा के खिलाड़ी जब धीरे धीरे आगे की तरफ को आएंगे उनके लिए हो सकती है बहुत ज्यादा मुश्किलें। अभी जो डैमेज डीलर थे ना हमारे, उसके अंदर सबसे ऊपर रेक्स ही थे। अब रेक्स यहाँ पे ऑलरेडी सर्वर छोड़ चुके हैं, एनिग्मा थ्रीमैन लाइनअप चला रही है यहाँ पर, अभी एगी एंड ईवो, बट बहुत सारे स्क्वाड है जो अब फुल फोर मैन इंटैक्ट नहीं रहे, उन्होंने कोई या तो लेकर नहीं आया एक प्लेयर, या तो उन्होंने कोई प्लेयर खो दिया यहाँ पर इस मैं बोल सकता हूँ इस प्रोसेस के अंदर। ब्राइन के प्लेस पे थोड़ी शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, ऐश ने यहाँ पे एगी को नॉक कर दिया है। एगी एनिग्मा के लिए प्रॉब्लम, बिकॉज अगर एगी गेम से बाहर गए देन सब कुछ खत्म हो जाएगा। पंक वांटेड टू कंफर्म, बट पीछे से जी गॉट दैट प्रिसाइज शूटिंग,
बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वहीं पे 420 होगी, ऐश को करेंगे खत्म 416 और 6x का कोई भी तोड़ नहीं है। रेंज कितनी भी हो, अगर सीधी गोली जा रही है सामने वाले पे जरूर लगेगी। वहीं पर ओआर एलिमिनेट होती है 13 पोजीशन। दे गॉट नाइस फिनिशेस बट उनको पोजीशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलने वाला उनको वहां पर। लेकिन यहीं पर अब देखा जाए तो शायद एक ही ओपी का फिनिश यहां पर मिल सकता है। नॉक सीधा साथ के साथ निकाल लेगा दलजीत के द्वारा। इस समय टीम एडिग्मा फॉरएवर इंफॉर्मेशन पर उमदा खेल रही है, बहुत उमदा खेल रही है। आप सोचिए रुक करके बैठे हुए हैं, पता है खिलाड़ी आगे की तरफ को जाएंगे और वहीं पर उनको डाउन कर सकते हैं। बट बिलीव के बिल्कुल सामने विलियम्स है। ओ जी बिलीव, ओ वो स्पॉट हो चुके, उनके पास शॉट्स आ चुके। एक गोली अगर और लगी दिक्कतें हो सकती हैं और सिर्फ 10 बैंडेजेस के सहारे हैं तो उनको बहुत छुप करके बहुत रुक करके खेलना पड़ेगा। यही बैंडेजेस इनको 75% एचपी पर लेकर के जा सकती हैं। बाकी काम शायद वो बूस्टर कर दे बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके जो टीममेट थे वो खत्म हो चुके हैं और वो जो फिनिश है वो मिल चुका टीम एनिग्मा फॉरएवर के दलजीत को। बट अबे विलियम्स आगे की फाइट देख रहे हैं। एफएस दे हैव एन इंपॉर्टेंट मैच राइट नाउ, दे नो हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर देमसेल्व्स। बट ब्लाइंड उनकी तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं। राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड से ग्रेनेड जरूर आया था बट वो खिलाड़ी उस चीज के बारे में जान चुके हैं। ग्रेनेड बहुत ज्यादा जल्दी कुक हुआ था बट यहीं पर दिक्कतें हो सकती हैं। एक खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा एफएस। इस समय उनकी आंखों के सामने जो अंधेरा चाह रहा है वो क्वालिफिकेशन का हो सकता है। हालांकि अभी भी दो गेम्स बचेंगे बट इस गेम में इनका सफर सिर्फ एक अंक के साथ। अब मुझे ऐसा उसे लग रहा है कि जो प्रेशर है ना वो नर्व्स पे आ चुका है बिकॉज ऐसे एफएस खेलती नहीं। डर डराकर तो एफएस ने कभी खेलना सीखा नहीं बट 11वें पायदान पर एक बार गैलेक्सी विल बी लीविंग द सर्वर। 27 प्लेयर 26 प्लेयर हो चुके और 9 टीम प्ले जोन से बाहर। बिलीव यहां पे खत्म हो जाएंगे। 10वें पायदान पर निकलेगी और हटा उनके पास 5 फिनिशेस से 1 पॉइंट मिलेगा। पोजीशन का 5 पॉइंट मिलेंगे, फिनिशेस के टोटल 6 पॉइंट। अब ग्लोबल ईस्पोर्ट ब्लू जोन में टीम एनिग्मा गेमिंग ब्लू जोन में है और साथ साथ टीम इनसेन भी। ब्लाइंड का यहां पर क्वालिफिकेशन काफी सही, वहीं पे जोनाथन गेटिंग 1 नॉक ओवर ब्लाइंड एडी। बाकी के सारे प्लेयर अलग अलग लोकेशन पे हैं। रिवाइवल देना आई एम नॉट श्योर कि ये चीज पुल ऑफ कर सकते नहीं कर सकते बट अगर आप घड़ी की तरफ देखेंगे 22 मिनट हो चुका है। अब जो ब्लू जोन है वो इस वक्त कह सकते हैं कि रौद्र रूप क्या बोले, मतलब एग्रेसिव फुल पावर डैमेज है और उस चीज का कोई कवरिंग नहीं होने वाला। दिस इज कॉम्पिटिटिव मोड, दिस इज नॉट क्लासिक। बट 9वें पायदान पर इनसेन बी सर्वर से निकलते हुए दिखेगी टीम एनिग्मा फॉरएवर के कुछ प्लेयर्स एक एक कर यहाँ पर गॉडल का शिकार होते हुए। गॉडल के पास सर्कल में एक बहुत अच्छी जगह है, इस चीज का उनको फायदा है। अभी वो एक लॉटरी टीम है जो सर्कल के अंदर होकर के बैठी है। लेकिन ये एक अच्छा थ्रोएबल का इस्तेमाल हुआ गया था जस्टिन के द्वारा, रोनी को डाउन किया जा चुका है और अब देखना है कि केविन के खिलाड़ी किस तरीके से आगे की फाइट ले सकते हैं। बार बार थ्रोएबल चाल करके जो पनिशमेंट है वो दी जा रही है। नियो का एक ग्रेनेड जाएगा, टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता हुआ। जॉनथन के पास आ चुके 3 फिनिशेस। डेस्ट्रो द वे इज मूविंग, इस एक पत्थर के कवर से वो पूरी ग्लोबल स्पोर्ट्स का सफाया कर सकते हैं। जस्टिन भी उस पत्थर का कवर ले चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि ये चिकन डिनर ये लोग उठाने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। But yes, चिकन डिनर ये उठाएंगे। आप अपना चिकन डिनर मिस मत करना क्योंकि स्विगी इज गिविंग यू अ चांस टू विन अ फ्री चिकन डिनर। क्यूआर कोड स्कैन करें एंड हैक इनटू द विनर लिस्ट। बट यस, केविन ईस्पोर्ट्स ने यहां पर ग्लोबल ईस्पोर्ट को लिटरली सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। जो टोटल पॉइंट्स ग्लोबल ईस्पोर्ट ने इस गेम में कमाए हैं वो है पूरे 4। 6 टीमें 14 प्लेयर। ब्लू जोन से जूझते हुए हमारे कुछ टीम्स लूट करना चाहते हैं, थोड़ा लूट पे भी फोकस रहेंगे बिकॉज मेडिक्स ना होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बट 6 पायदान पे एनिग्मा भी यहाँ पर सर्वर से बाहर जाते हुए दिख रही है। गॉर्डन के पास फिनिशेस है, उनकी शुरुआत अच्छी है। दे वांट टू टेक डाउन एनिग्मा बिकॉज एनिग्मा ज्यादा दूर नहीं है। थ्रोन पे एक नया राजा बैठने के लिए तैयारी कर रहा है और डेस्ट्रो ब्लू जोन का शिकार होते हुए रॉबिन नॉक हुए, इंस्टेंटली फिनिश किया। गॉर्डन फिनिशेस के अंदर जिस स्पीड से भाग रही है मुझे लग रहा है ढेर सारे फिनिशेस गेम के आखिरी तक जरूर होंगे उनके। The aggressive godlike is a Neo Jonathan. ये जब तक जीवित हैं यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। लेकिन यही नहीं, इनके साथ आते हैं मेन मैन सीबॉट जो कि हमेशा स्टेप अप करते हैं टीम के लिए जब टीम को जरूरत होती है और उसी चीज की दरकार यहाँ पर टीम को दी। स्काईलाइट्स के सोमराज को डाउन किया जाएगा बट उससे पहले सोमराज ने एक्चुअली मॉडल को डाउन किया था। सभी फाइट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अकेला इकलौता खिलाड़ी है यहाँ पर, गमला बॉय हील पर जा चुके हैं। फियर्स को स्पॉट किया जा चुका है। गॉडलाइक वॉन्ट्स टू टेक दिस। एग्जैक्टली, उनको फाइट लेनी है। अब देखना है कि किस तरीके से इस चीज को काउंटर करेंगे। अब हमारे पास 4 टीम बची हैं, जीते के चांसेस है यहाँ पर गॉडल के पास। अब एनिग्मा को डर लग रहा है कि जो वीक थ्री है उसका जो वीकली फाइनल्स है उसका प्राइस पूल उनके हाथ से चला जा सकता है बिकॉज गॉडल इस मैच के बाद यहाँ पर नंबर 1 स्पॉट पे जरूर दिखेगी बिकॉज पोजिशन पॉइंट भी आएंगे, फिनिश पॉइंट तो उन्होंने हद से ज्यादा निकाल चुके हैं। जस्टिन के पास 2 फर्स्ट एड थी, उन्होंने एक यूज करी है। अभी भी 17 फर्स्ट एड है गमला बॉय पे। ये प्लेयर एक टाइम पे ऑफिशियल में हंटर होता था, आज के टाइम पे टोटली अपोजिट MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, इमोर्टल की बिरादरी में जुड़ चुके हैं हमारे गमला बॉय।
ये गेम गॉड लाइक निकाल चुके हैं। आप देखिए हर कोई हील कर रहा है, फियर्स बस हील कर रहे हैं, वहां पर गमला बॉय हील कर रहे हैं। अब देखना ये है वो मुहर, वो ठप्पा लगता कब है। जस्टिन पहला खिलाड़ी खत्म होने वाला उस हीलिंग बैटल के अंदर। फियर्स जोन के बाहर है, आखिरी की 5 फर्स्ट एड्स है उनके पास। गॉड लाइक ऐसी जीते उनको चाहिए जरूर। गॉड लाइक अपने चिकन डिनर्स को भी यहां पर दुगना कर लेगी, मतलब हंगर की ओर भी उठाने की उनकी कोशिश रहने वाली है। अपने आप को इस हफ्ते के प्राइस पूल में भी ऊपर रखने की उनकी कोशिश होने वाली है। एक ग्रेनेड जाता हुआ जोन के बिल्कुल बाहर, पर क्या ये फियर्स को ले पाएगा? अभी के लिए तो नहीं, गलत पत्थर पर इस समय के लिए नजर है, बट नियो की बिल्कुल सही जगह पर नजर है। फियर्स की तरफ से थोड़े को शॉट लाएंगे और वो डाउन करने की कोशिश करें, लेकिन इससे पहले कुछ होता प्ले जोन फियर्स को लेकर के जाएगा। रिवाइवल जरूर मिल जाएगा, लेकिन साइड से गमला बॉय एक और किलर को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास अभी 7 फर्स्ट एड्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली फर्स्ट एड लगाना छोड़ चुके हैं और वहीं पर प्ले जोन लेकर के जाते हुए गमला बॉय को। गॉड लाइक शुड बी वेरी हैप्पी फॉर देमसेल्व्स एज दे गेट अनदर ब्रिलियंट विनर विद अ चिकन डिनर। कितना अननोइंग हो जाता है यहां पर, टोटल लिखा रहा है।